पता नहीं आता, समझ में नहीं आता। मणिभद्र के सामने धूप चढ़ाते हैं और रात को जब मच्छर काटते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती कभी जला के दिए तुम्हारे माँ बाप को, पद्मावती की चुनरी बाद में चढ़ाओ, माँ की साड़ी कहीं फटी तो नहीं है ना, बाप की धोती में कहीं काने तो नहीं है ना, उसे सिलवाओ, उसे नए दिलवाओ। हंसी तो तब आती है, माँ बाप जब स्वर्गलोक में चले जाते हैं एक साल के बाद, जब उनकी तिथि आती है ना, तब फुल साइज का फोटो लगाते हैं, 400 रुपये का हार चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं, सामने खड़े होते हैं। अच्छा है कि माँ बाप जिंदे नहीं होते, यदि आपकी भक्ति से जिंदे हो जाए ना तो एक चाटा मार के बोलते, जिंदे थे तब पानी भी नहीं पिलाया और आज ये सब नाटक। फिर से कहता हूं, कमाल बेटे को बार बार कहती थी कि उम्र का कोई भरोसा नहीं, एक बार पाली ताना लेके जा, हम यात्रा कर लेंगे, एक बार शंखेश्वर लेके जा, दादा के दर्शन करने हैं। हाँ माँ ले जाऊंगा, अभी तेजी है, अभी धंधे में टाइम नहीं मिलता है माँ, और मैं अकेला हूँ आपको पता है ना, प्लीज माँ अभी यहाँ पे ही शत्रुंजय, यहाँ पे ही शंखेश्वर, अनुकूलता को लेके जाओ। माँ रोती रही, माँ बिलखती रही, और एक ही महीने में माँ बिना दर्शन बिना छात्रा के परलोक में चली। बेटे को धक्का लगा, बेटे ने सोचा कि माँ की अंतिम इच्छा मैं पूरी नहीं कर सका, कुछ नहीं, माँ की अब इच्छा पूरी करूंगा। और वो बड़ा पैसे वाला था, समाज में 500 लोगों को इकट्ठे किए, मेरी माँ की इच्छा थी, अंतिम इच्छा पालीताना की यात्रा, अब आप सबको मैं पालीताना की यात्रा कराऊंगा। वो बेटा यदि मुझसे मिल जाए ना पालीताना, और मैं पूछूं ये क्या है, बस मेरी माँ की इच्छा थी लेकिन माँ को नहीं करा सका, तो माँ की याद में मैं 500 को कराऊंगा, तब मैं एक चाटा मार के उसे कहूंगा, 500 को नहीं 500,000 को कराएगा ना, तो भी माँ को यात्रा कराने में जो पुण्य मिलेगा वो 500,000 को कराने में नहीं मिलेगा। तुम्हारे से तो कभी मुझे अमिताभ बच्चन की अनुमोदना करने की इच्छा हो जाती, यह आदमी 75 साल का है, 75 हुए ना, और आज भी उसके नाम का सिक्का चल रहा है, अभिषेक का तो कभी का अभिषेक हो गया है, लेकिन उसका बाप आज भी चल रहा है। मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी है, देखा तो सास की एक आंख नहीं, बेटा माँ को बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करता, लेकिन कहीं भी बाहर जाना है बेटा माँ को लेके जाता, बहू को अच्छा नहीं लगता। ठीक, एक आंख से कहानी है, मजा मर जाता है। बेटे को टाइट किया, रात को जब बेडरूम में जाते हैं तो ये हवा, ये फूंक मारने का धंधा शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ जब अपन राजस्थान में रहते थे ना, तब माँ जब चूल्हा जलाती थी तो क्या करती थी, और फूंक डायरेक्ट मारती थी, फूकनी से मारती थी, एक फूकनी रहती है और फूक मारती और चूल्हा जल जाता। इन लोगों के पास ऐसी ताकत है, बिना फूकनी आपके कान में फूक मारे पूरा संसार जला दे, चूल्हा क्या संसार जला दे। माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ को ऐसा करती है, माँ वैसा करती है, अपने अपने साथ माँ नहीं चली। बेटा चढ़ गया, आप भी चढ़े होंगे कभी कभी और मां के सामने आ गए होंगे। बेटा ने मां से कह दिया, मां इस घर में अब आप रह नहीं पाओ,